अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो वी आर रीडिंग पोएम संपत्ति रिटन बाय अ पोएट चार्ल्स मैके। ही वाज अ स्कॉटिश पोएट। तो इस पोएम में चार्ल्स ने अपने ख्यालों का इजहार किया था। तो हमने क्या जाना, हमें यही पता चला कि संपत्ति क्या होती है, क्या संपत्ति लुटाई जा सकती है, किस तरह से हम किसी से हमदर्दी कर सकते हैं या हमदर्दी किसे कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमदर्दी मीन्स अगर हम कश्मीरी में कहेंगे तो एकिस बेकिस बकार यून, अख एकिस अकार बकार यून उच्च वना संपत्ति। कंस हमदर्दी करें, कंस पोंस दिन गई ना हमदर्दी करें, सो गई ना हमदर्दी करें कि कंस बकार यून, कंस उन ख्याल थाउन, कंस उन जरूरत विचिन, कंस जरूरत मंदस बकार यून, कंस दिलास दियून, अच्छी दस चुवाना हमदर्दी। हमदर्दी इसी को कहा जाता है, किसी की देखभाल करना, किसी को इज्जत देना, किसी को दिलासा देना, इस चीज़ को हमदर्दी कहा जाता है। अगर कोई ज़रूरतमंद हो तो उसकी ज़रूरत पूरी करना, उसको हमदर्दी कहा जाता है। ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना, ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना, इस चीज़ को हमदर्दी कहा जाता है। किसी को हम पैसे देंगे, किसी को हम सोना देंगे और हमारी आँखों में तरस भी नहीं होगा, तो उस चीज़ को हमदर्दी नहीं कहा जा सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे यही बात समझाई गई है कि एक आदमी जिसकी आंखें बहुत रूखी थी, उसने जिसने हमदर्दी का एक बोल भी नहीं बोला। हम हमदर्दी चंद अल्फाजों से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हम किसी को पैसे दे, किसी को रुपया दे, किसी को सोना दे तो ये हमदर्दी, ये ज़रूरी नहीं है। हम अपने अल्फाज से, अपने नरम दिली से, अपनी काइंडनेस से हमदर्दी कर सकते हैं। किसी के दिल को जीतने का नाम हमदर्दी है, दिल जीतने का नाम हमदर्दी है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि संपत्ति क्या होती है, हमदर्दी किससे कहा जाता है। किसी की देखभाल करना, किसी को इज्जत देना, आके किस अकार बकार यून, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना, इस चीज़ को हमदर्दी कहा जाता है। तो दूसरी बात, क्या हमदर्दी लौटाई जा सकती है? नो, नेवर। माय डियर स्टूडेंट्स, हमदर्दी को कभी लौटाया नहीं जा सकता है, इसीलिए शायद इसको हेवनली थिंग भी कहा गया है। ठीक है, अगर हमसे कोई कहेगा क्या हमदर्दी जैसी चीज़ का नाम कर्ज हो सकता है, तो हम कहेंगे हमदर्दी जैसी चीज़ का नाम कर्ज तो हो सकता है, लेकिन ऐसा कर्ज, हमदर्दी एक ऐसा कर्ज है जो लौटाया नहीं जा सकता। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई आपको मेरी बात? तो यहाँ पे मैंने चंद डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हैं इस पोएम से, तो लेट्स लर्न। डिस्ट्रेस्ड मीन्स डेजोलेटेड यानी परेशान, ग्रीफ मीन्स सारो यानी दुख, इरेक्ट मीन्स अपराइट या स्टैंड अप या वर्टिकल भी कह सकते हैं, तो मीन सीधा, वांट मीन्स नीड ज़रूरत, लुक वॉच मीन्स लुक आफ्टर यानी देखभाल, प्राउड मीन्स ईगो यानी घमंड, चैरिटी मीन्स जनरोसिटी यानी खैरात, संपत्ति मीन्स अफेक्शन यानी हमदर्दी। ठीक है बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज। روزی شنری کارده گمت زبرا خوبه؟